नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के दो नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, ऐसे दो नाम जो अपनी पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और राजनीति में बेहद ही एक्टिव है। हालांकि ओहदा बड़ा हो तो बैंक बैलेंस भी बड़ी ही होती है। बेशक बिहार की राजनीति में राजद का करिश्मा अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन दोनों भाइयों की संपत्ति जरूर फली फूली है। आमतौर पर यह धारणा होती है कि पिता की विरासत को आगे ले जाने वाले बेटों में बड़े बेटे का ओहदा हमेशा ही आगे होता है, लेकिन यादव ब्रदर्स के केस में ऐसा नहीं है, बल्कि इन दोनों के मामले में तो यह ठीक उलट है। यानी कि इस मामले में अनुज तेजस्वी यादव अपने भ्राता तेज प्रताप यादव से ज्यादा अमीर है। और ये बातें हम हवा हवाई में नहीं कह रहे हैं, बल्कि साल 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों भाइयों की तरफ से जमा किए गए एफिडेविट में दोनों ने खुद ही सारा ब्यौरा पेश किया है। 2020 में समस्तीपुर से हसनपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव की संपत्ति की बात करें तो नामांकन पत्र के साथ दिए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 2,51,63,509 रुपए दर्शाई है। ये 2015 में महुआ विधानसभा क्षेत्र के नामांकन के साथ दिए गए हलफनामे के समय से 50 लाख रुपए ज्यादा है। तेज प्रताप के 5 बैंक खातों में कुल मिलाकर 14,87,371 रुपए हैं, जो कि साल 2015 की तुलना में 10 लाख रुपए अधिक है। इसके साथ ही तेज प्रताप के पास एक BMW कार है जिसकी कीमत 29.43 लाख रुपए है और 15.46 लाख रुपए की एक 1000cc की रेसिंग बाइक है। वहीं 100 ग्राम ज्वेलरी है जिसकी कीमत तकरीबन 4,26,300 रुपए है। इसके अलावा विभिन्न शेयरों में 25,10,000 रुपए का निवेश भी किया गया है। वहीं तेज प्रताप के ऊपर 33 लाख के ऋण का बोझ भी है। साल 2016-17 की बात करें तो इस दौरान तेज प्रताप ने 6.79 लाख रुपए और 2017-18 में 6.90 लाख रुपए का टैक्स भरा था, लेकिन 2018-19 में उन्होंने 2.11 लाख रुपए का टैक्स जमा किया, जबकि 2019-20 में 3.11 लाख रुपए का ITR फाइल किया है। वहीं चुनावी नामांकन के हलफनामे में संपत्ति का जिक्र करते हुए तेज प्रताप ने बताया है कि उनके पास मात्र 1.25 लाख रुपए नकद है। वहीं अगर हम बात तेजस्वी यादव की करें तो तेजस्वी यादव ने अपने नामांकन के दौरान हलफनामे में बताया था कि उनके पास 5,88,90,061 रुपए की चल अचल संपत्ति थी। वहीं पहले की बात करें तो उनके पास 2015 में 2,32,56,322 रुपए की चल अचल संपत्ति थी, यानी कि 2020 में उनकी संपत्ति दोगुनी से अधिक हो गई है। नौवीं पास तेजस्वी 4,73,20,061 रुपए के चल और 1,15,70,000 रुपए की अचल संपत्ति के मालिक हैं। इनके पास 4,25,000 रुपए मूल्य के 100 ग्राम सोने के आभूषण हैं और 21,77,938 रुपए की प्लांट और मशीनरी है। तेजस्वी यादव पर लोन के नाम पर 4,50,000 रुपए बकाया भी है, जिससे यह तो साफ है कि संपत्ति को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले लालू प्रसाद यादव के परिवार के इस छोटे युवराज के पास अपने बड़े भाई पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव से भी अधिक संपत्ति है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।